हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं इस चैनल पर साउथ की हिंदी डब फिल्मों के बारे में बताऊंगा और थ्रिलर फिल्मों की सजेशन करूंगा। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में न्यू रिलीज हुई 8 हिंदी डब फिल्मों के बारे में बताऊंगा। सभी फिल्में क्राइम थ्रिलर कैटेगरी के अंदर आती है। अगर आपको थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आपकी सुविधा के लिए सभी फिल्मों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूं और मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर मैं न्यू रिलीज फिल्मों को अपलोड करता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। तो चलिए बिना वक्त जाया ना करते हुए आज की इस बेहतरीन वीडियो का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन के नंबर 8 पर आने वाली मूवी का नाम है प्रीतम 2। ये सेम टाइटल के साथ आपको हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा। ये 2018 में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर वाली मूवी थी। मैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये स्टोरी ये 5 लोगों की जो एक शॉर्ट फिल्म को बनाना चाहते हैं और वो लोग एक दिन फेसबुक के अंदर एक बंगलो की पोस्ट देखते हैं। वो पोस्ट को देखने के बाद वो बंगलो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद वो लोग उस शॉर्ट फिल्म को उसी बंगलो में जाके शूट करने का ट्राई करते हैं, मतलब डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करने के बाद वो बंगलों में जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो जाते हैं और आगे क्या होता है इसी को इस मूवी में दिखाया गया है। IMDB पर इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। YouTube पर हिंदी डब में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आने वाली मूवी का नाम है मर्डर। ये 2020 में रिलीज हुई तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर मूवी थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो ये स्टोरी है समृता नाम की लड़की की। वो किसी और के साथ प्यार करती है लेकिन ये बात उनके पिता को पता नहीं होता और एक दिन पता भी चल जाती है। पता लगने के बाद उनके पिता उस लड़के के साथ कुछ और ही करना चाहते हैं, मतलब उसकी मर्डर करना चाहते हैं। उनके पिता उस लड़के को मर्डर कर पाते हैं या नहीं और आगे क्या होता है इसी को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। IMDB पर इस मूवी को 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली है, तो ये एक अच्छी खासी रेटिंग है और मुझे भी ये फिल्म पसंद आई थी। ये फिल्म आपको सेम टाइटल के साथ हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। 38 माइग्रेंट बच्चों को। नंबर 6 पर आने वाली मूवी का नाम है नेल पॉलिश। ये 2021 में रिलीज हुई बॉलीवुड की एक ड्रामा थ्रिलर वाली मूवी थी। मैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ी सी भी हिंट नहीं दूंगा क्योंकि इस मूवी का स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और एक कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर मूवी है, मतलब स्टोरी को आप मूवी में ही देखना पड़ेगा। अगर स्टोरी बता दिया तो आपकी स्पॉइलर ज़रूर हो सकती है, इसीलिए हिंट देना मैं नहीं चाहता। फिर भी ये मूवी आपको YouTube पर ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बॉलीवुड के खतरनाक फिल्म को देखना चाहते हैं तो इसे किसी भी कीमत पर मिस मत करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। नंबर 5 पर आने वाली मूवी का नाम है अष्टकर्मा। ये 2022 में रिलीज हुई तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर मूवी थी। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, इसमें आपको हॉरर भी देखने के लिए मिलेगा। मैं कहानी के बारे में आपको हिंट दे देता हूँ। ये स्टोरी है दो कपल के, उनके अंदर भूत आ जाती है, मतलब एक आदमी के अंदर भूत आ जाती है, आने के बाद उन दोनों के बीच तीसरा आदमी भी आ जाता है। कहानी का मतलब क्या है, मतलब ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए आप मूवी देखने के बाद आप शुरुआती से इस मूवी को डिटेल के साथ देखिए, आखिर में जाने के बाद आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इसीलिए आप डिटेल के साथ ज़रूर देखिए। ये फिल्म आपको हिंदी डब में YouTube पर ही देखने के लिए मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ और इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर आने वाली मूवी का नाम है अरनमनई 3। ये 2021 में रिलीज हुई तमिल भाषा की एक हॉरर थ्रिलर वाली मूवी थी। कहानी के बारे में बात की जाए तो ये स्टोरी है ज्योति नाम की लड़की की, मतलब यहाँ पे ज्योति नाम की किरदार को राशि खन्ना प्ले कर रही है और इस मूवी में आपको आर्या भी देखने के लिए मिलेंगे। कहानी है ये ज्योति की, जिसके अंदर भूत आ जाती है। भूत आने के बाद वो एक अजीबोगरीब बंगलों में जाती है, उनके साथ आर्या भी जाता है वहाँ पे। आगे उन लोगों के साथ क्या कुछ होता है इसी को इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 4 की रेटिंग मिली है
और ये फिल्म आपको हिंदी डब में यूट्यूब पर ही देखने के लिए मिलेगा, इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखना। नंबर 3 पर आने वाली मूवी का नाम है पुजो। ये 2022 में रिलीज हुई एक मिस्टर थ्रिलर वाली मूवी थी और ये मलयालम भाषा की मूवी है जिसे सेम टाइटल के साथ अनऑफिशियली हिंदी डब किया गया है। इस मूवी के अंदर मम्मूटी लीड रोल को प्ले करते हुए नजर आए थे और ये स्टोरी भी उनके ही गिर्द गिर्द घूमती है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो ये स्टोरी है मम्मूटी और उनके बेटे की। मम्मूटी उनके बेटे को फ्रीडम नहीं देते, उनके बेटे को कुछ भी करते रहते हैं, मतलब मारते पीटते रहते हैं और आगे जाके उनके ऊपर मतलब मम्मूटी के ऊपर एक हमला हो जाती है और उनको जानलेवा हमला होती है और आगे क्या होता है पता लगाना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल है इसीलिए आप इस मूवी को ज़रूर देखना। IMDB पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर आने वाली मूवी का नाम है टच चेसी चूडू। ये 2018 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। बात करें इसकी कहानी के बारे में तो ये स्टोरी है कार्तिकेय यानी रवि तेजिया की। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी एक बहन भी होती है। आगे जाके उनकी बहन की मर्डर हो जाती है। वो इनकी इंसाफ लेने के लिए इंडिया आते हैं। यहाँ पे आने के बाद उनकी बहन की इंसाफ लेते हैं या फिर नहीं और आगे क्या होता है इसी को इस मूवी में दिखाया गया है। IMDB पर इस मूवी को 10 में से 4.7 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म आपको हिंदी डब में सेम टाइटल के साथ देखने के लिए मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। फाइनली नंबर 1 पर आने वाली मूवी का नाम है अक्सरा। ये हाल ही में हिंदी डब में आई है। ये 2020 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की एक थ्रिलर मूवी थी। IMDB पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो ये स्टोरी है श्वेता नाम की लड़की की। वो एक कॉलेज में एक टीचर के लिए ज्वाइन हो जाती है टीचर काम करने के लिए। वहाँ पे ज्वाइन हो के कुछ ही दिन बाद वहाँ की एक सर की मर्डर करती है। मर्डर करने के बाद उसके साथ क्या होती है और आगे क्या होता है पता लगाना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। अगर आप रोज ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।